तो हेलो व्यूवर्स, आपका अवतार ट्रेलर रिव्यू में स्वागत है। तो अराउंड लगभग 12 साल के बाद अवतार का सेकंड एंड सीक्वल पार्ट रिलीज होने जा रहा है 16 दिसंबर को इस साल। फर्स्ट पार्ट इस मूवी का रिलीज हुआ था सन 2009 में, और सन 2009 इतना लंबा चला जाता है गैप कि जो लोग अवतार 2 देखने जाएंगे आधे से ज्यादा लोग तो उस अवतार 1 को फर्स्ट टाइम विजिट देखे नहीं रहेंगे। ज्यादा करके लोगों ने अवतार के फर्स्ट पार्ट को टीवी की स्क्रीन या मोबाइल की स्क्रीन पे देखा है। तो बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट के ट्रेलर के बारे में कि आखिर ये ट्रेलर कैसा है। देखिए, अगर मैं आपको बता दूं कि यार जब भी हॉलीवुड से कोई फिल्म आती है तो उस मूवी के अंदर हमें CGI और VFX भर भर के देखने को मिलता है। यार उनकी फिल्में CGI और VFX के पर ही ज़्यादा फोकस करती है और उसी चीज़ को लेकर उन लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यानी कि उनका CGI और VFX मूवी के अंदर सबसे मेन कैरेक्टर होता है, मेन पॉइंट होता है, और उस पर ज़्यादा उन लोग ध्यान और ज़्यादा फोकस करते हैं। तो यही CGI और VFX ही आउट ऑफ कंट्री की स्ट्रेंज है, वरना कहानी और स्टोरी तो हमारे इंडिया में भी साउथ इंडस्ट्री से एक से बढ़कर एक आती है। तो देन ये सब साइड में रख देते हैं और बात करते हैं ट्रेलर के बारे में। देखिए, जब ट्रेलर स्टार्ट होता है टोटली जो CGI लेवल हमें देखने को मिल रहा है वो इतना ज़्यादा हाई है, इतना ज़्यादा हाई है यार कि इस मूवी के अंदर हमें हर चीज़ एक काल्पनिक है, एक इमेजिनेशन है। इसके बावजूद भी मूवी के अंदर हमें जो कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं ऐसा लगता है कि कहीं से रियल एक्सीडेंट और रियल बेस्ड स्टोरी को उठा लिया है। यानी आप यार एक शॉट्स जब ट्रेलर के अंदर आया, जिस शॉट्स में वो बंदा जो मेन कैरेक्टर है पानी के अंदर से बाहर आते हुए दिखाई दे रहा है, हल्की सी आँखें दिखाई दे रही, उस सीन को, उस शॉट्स को आप देखिए यार, उस शॉट से ही अंदाज़ा लग जाता है कि मूवी के मेकर्स ने कितनी ज़्यादा CGI पे मेहनत की है। यार एक 3D कैरेक्टर को उस पानी के अंदर दिखाया, उसके ऊपर से उसके सरफेस पे पानी है, उसके बैकग्राउंड में आग है, जंगल है, सो क्लियरली हमें देखने को मिलता है। बट आप एक सेकंड के लिए भी कहीं ऐसा फील नहीं करेंगे कि यार जो इसका CGI या VFX से कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। आपको CGI और VFX में डिफरेंट बता दो कि यार देखिए, जो VFX होता है ना, जो ग्रीन पर्दे पर शूट हुआ होता है वीडियो, उसे हम VFX बोलते हैं। जैसे कि मेरे बैकग्राउंड में जो वीडियोस चल रहे हैं ये ग्रीन पर्दे पर शूट किए गए वीडियोस हैं। यानी हम ग्रीन पर्दे के जरिए आसपास की चीज़ों को बदल सकते हैं, बट जो CGI होता है ना वो बिल्कुल, जैसे कि मैं आपके सामने अभी बोल रहा हूँ, मूवी का रिव्यू कर रहा हूँ, ट्रेलर का रिव्यू कर रहा हूँ, तो मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई मेरे तरह से 3D मॉडल एंड नकली चीज़ कर रही है तो उसे बोलते हैं CGI। जैसे कोई ब्लास्ट करना है, जैसे कोई नकली चीज़ दिखानी है तो उसे बोलते हैं CGI। तो यहाँ पे CGI के मामले में इन लोग ने एकदम गेम खेल गए यार, एकदम नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। आप मेरे पीछे ये सब शॉट्स देखे यार, क्या मतलब कि ऐसा शॉट्स जो अनबिलीवेबल जैसा महसूस होता है यार। देखिए, जो चीज़ हो ही नहीं सकती धरती पे वो चीज़ इन लोग दे रहे हैं, और ऐसा अपने को अनुभव करा सकते हैं कि हाँ ये चीज़ हो गई, हो सकती है, हो रही है। फर्स्ट पार्ट को मैंने यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन पे ही देखा था, तो जितना मैंने मोबाइल की स्क्रीन पे इंजॉय किया तो थोड़े से थिएटर में अगर मैं उसको देखता तो कितना ज़्यादा मज़ा आता। तो सेकेंड पार्ट के लिए तो मैं ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हूँ, क्योंकि इस मूवी को बनाने में ही 12 साल लगे और इस मूवी के लगभग 4 पार्ट आने वाले, ये सेकेंड पार्ट है, और मूवी के मेकर्स का दिमाग तो देखिए यार, चौथा पार्ट शूट होने जा रहा है, यानी तीसरा पार्ट शूट हो चुका है, अभी दूसरा पार्ट आया भी नहीं, यानी कि ये बैक टू बैक अब 4 पार्ट दे देंगे। यानी इतना लंबा इंतजार करने के बाद, 12 साल इंतजार करने के बाद अब 4 पार्ट तक बहुत जल्द इन लोग पहुंचेंगे। हो सकता है टोटली 10 साल के अंडर में इन लोग चारों पार्ट को रिलीज कर दे, हर 2 साल का गैप ले हो सकता है। और भी बात करें ट्रेलर के बारे में, देखिए ट्रेलर धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो हमें कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो मेन कैरेक्टर है फर्स्ट पार्ट में उनकी बेटी को तो नहीं रहती, बट उनकी बेटी यहाँ पर सेकेंड पार्ट में देखने को मिलता है। तो सेकेंड पार्ट में उनकी बेटी है, उनकी बेटी के पास कुछ शक्तियाँ भी देखने को हमें मिल जाती है, ऐसा लगता है कि हाँ उनके पास कुछ शक्ति है। इसके अलावा जो उसमें पेड़ दिखाया गया, जो ट्री है जिसको भगवान मानते हैं इन लोग, तो उसके अंदर परमात्मा आत्मा है, जो फर्स्ट पार्ट में ही मालूम पड़ गया था कि इस मूवी के अंदर क्या है और क्या हो रहा है। इसके अलावा उन लोग अपनी बॉडी से, सोल से उससे कनेक्ट कर रहे हैं और कुछ आने वाली मुसीबत खतरे को महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मूवी के प्लॉट में क्या मेन स्टोरी होगी, क्या प्लॉट होगा, ये मूवी के अंदर ट्रेलर को देखकर बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकता, और बिल्कुल सही भी है, क्योंकि मूवी देखने का जो आधा मजा है वो प्लॉट मालूम होने के कारण चला जाता है। इसके अलावा धीरे धीरे ट्रेलर बढ़ता है तो देखने को मिलता है कि बहुत भारी भरकम इसके अंदर एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलने वाले, बट ऐसा नहीं कि एंड आते आते बहुत ज़्यादा हाइप कर दिया एक्शन का, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ना एक्शन से ज़्यादा इमोशन को टच में रखा गया है, जिस तरह फर्स्ट पार्ट ना उसी तरह सेकंड पार्ट को भी इमोशन को ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो बस यही इसकी स्ट्रेंथ है यार,
इसी चीज को लेकर ये फिल्म 20,000 करोड़ तो छोड़िए 50,000 करोड़ भी कमा सकती। फर्स्ट पार्ट वर्ल्ड का सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी है, 20,000 करोड़ के आसपास इसका कलेक्शन है। सेकंड पार्ट डेफिनेटली इस कलेक्शन को क्रॉस कर सकता है। तो बस मेरा यही था ट्रेलर को लेकर ओवरऑल ओपिनियन। और आपने अगर अवतार 2 का ट्रेलर देखा है और इस मूवी को जो लोग नहीं देखना चाहते हैं वो भी देखने जाएंगे, ये तो मेरी डेफिनेटली है। तो अगर आप कितने एक्साइटेड है कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल पे नए हैं यार तो जरूर करके चैनल को सब्सक्राइब करें यार, जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं जाता, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब्सक्राइब। नीचे रेड बटन दिख रहा है उसको दबा के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो आपको पहले सबसे मिले। और ऐसे आने वाले समय में, आने वाले फ्यूचर में और भी नॉलेजेबल वीडियोस, मूवी से रिलेटेड वीडियोस आपको देता रहूंगा, इसलिए वीडियो देखते रहें। चलिए चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।